भारत में कोरोना वायरस की महामारी के चलते सियासी गरमाई हुई है। इसी के बीच मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोटा नगर में शासन द्वारा आदेश जारी किया गया और नगर पालिका के सीएमओ मनीष पारते ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा 1000 का जुर्माना। प्रशासन ने नगर के मुख्य मार्गों पर अलाउंस करवा कर दी लोगों को चेतावनी। देखिए खास खबरें यूज कास्ट चैनल पर संवाददाता रोहित अहिरवार की रिपोर्ट। को छूने तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। इसी कारण राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। नोवल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरी क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने पर प्रतिबंधित किया जाता है। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थलों पर थूकता हुआ पाया जाएगा तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। कोरोना बीमारी जानलेवा बीमारी है, इससे बचने के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सजग रहें एवं मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। माता बहने बूढ़े बच्चे जवान सभी मास्क पहने ताकि कोरोना बीमारी से बचा जा सके। कोरोना बीमारी जानलेवा बीमारी है, आप सभी के लिए सावधान सतर्क रहना चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। 2 गज की दूरी बना के रखें और सभी मास्क अवश्य ही पहने। सर एक नया आदेश आया है थूकने को लेकर 1000 रुपये का जुर्माना। हाँ। आज नगर में मिनादी भी पिटी है, तो ये सर किन स्थानों पे छूट है या किन स्थानों पे नहीं कर सकते हैं? कोविड-19 के चलते नगरीय प्रशासन से यह आदेश आया हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति थूकते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध 1000 रुपये की जुर्माना कार्रवाई की जाएगी।